हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्त, आज बात करने वाला हूं CITS के सिलेबस के बारे में। जिन लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो गया है या जिनका सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन हो रहा है, जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि हमको पढ़ना क्या है, किस तरह के तरीके से तैयारी करना है, कौन सी बुक आपको ले जाना होगा। ये सारी चीज़ों का मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे कि सर वहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से होती है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताऊँगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आगे भी बहुत सारे वेबसाइट में बताऊँगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहला वेबसाइट का वीडियो है मेरा, और आगे मान के चलो कि बहुत सारे वेबसाइट है जिससे आपके काम की योग्य बातें होंगी, तो उस सब सारे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा मैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ ये CITS की वेबसाइट से। इस वेबसाइट का अगर आप लिंक खोजेंगे तो आपको गूगल में यही डालना पड़ेगा, DGET.NIC.IN। ये डालने के बाद ये पेज आपको आपके सामने खुलेगा, ये वाला। और जो CITS का सिलेबस है ना, इसको डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला है कि जो मैं बता रहा हूँ इस मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्टकट मेथड है, तो मैं वो लास्ट में बताऊँगा शॉर्टकट क्या है। और ये है डिटेल से, इस अगर तरीके से आप डाउनलोड करते हैं देखते हैं तो आपको इस वेबसाइट के बारे में भी पता चलेगा और इस CITS का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। DGET का तीन वेबसाइट है, तीन या चार वेबसाइट है, और चार वेबसाइट का ही अलग अलग फंक्शन है। तो ये पहला वेबसाइट है जिसके बारे में बता रहा हूँ, इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा। CITS से सिलेबस केवल बना रहा हूँ लेकिन वेबसाइट के बारे में नहीं बता रहा इसमें, तो इस वेबसाइट के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और तीन चार और वेबसाइट है जो DGET से रिलेटेड है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप गूगल में ये चीज़ डालेंगे DGET.NIC.IN, इसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ बहुत सारे चीज़ दिखेंगे, जैसे न्यू इनोवेटिव स्टूडेंट जॉब सेकर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर एम्प्लॉयज ITI बजट अकाउंट, ये सब चीज़ दिख रहा है आपको। यहाँ पर दिख रहा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपको दिख रही है। सबसे नीचे आना है यहाँ पे, और क्या है ना कि हम लोग जो जिस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं CITS, वो ट्रेनिंग मिनिस्ट्री है, मतलब ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट है जिससे हमको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये है हम लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट। तो ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट को ओपन करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करके, देखिए ओपन हो रहा है। इसके बाद ये DGET का जो वेबसाइट है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGET मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये है DGET का मेन वेबसाइट है। और यहाँ से हमको डाउनलोड करना है CITS सिलेबस। इसके लिए हम ये देखिए होम है यहाँ पे, स्कीम प्रोग्राम है, पब्लिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, एग्जामिनेशन है, यूजफुल लिंक है, अबाउट है, मीडिया कॉर्नर है। तो हमको जाना है इसमें स्कीम एंड प्रोग्राम्स में, यहाँ पर दिख रहा है स्कीम एंड प्रोग्राम्स। इसको इस पर जाते हैं तो इसके बाद नीचे बहुत सारे पेज खुल रहे हैं, देखिए स्कीम फॉर ट्रेनिंग ये सब खुल रहा है ना। तो हमको जैसे हम लोग क्या बोले थे वहाँ पर ट्रेनिंग बोला जाता है, ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के लिए स्कीम फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिज, ऐसा स्कीम जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनके लिए ये स्कीम है। देखिए इसमें अगर दो ऑप्शन मिलेगा हमको, हाईटेक ट्रेनिंग स्कीम HTS और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS। तो यहाँ से CITS को हम क्लिक करेंगे, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम को यहाँ पर क्लिक कर दिए, देखिए इसके बाद ये खुल गया। तो खुलने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS और स्कीम फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग्स। और यहाँ पाएंगे हम लोग DGET एम्प्लॉय मीडिया गैलरी राइट इन्फॉर्मेशन, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS और यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स दिख रहा है आपको। देखिए इसमें ओवरव्यू है, वुमेन ट्रेनिंग है, कॉमन सिलेबस फॉर ट्रेनिंग मेथोलॉजी POT का ये सिलेबस दिया हुआ है। और ये सिलेबस है CITS सिलेबस इंजीनियरिंग ट्रेड्स, ट्रेड थ्योरी एंड ट्रेड प्रैक्टिकल। और यहाँ पर CITS सिलेबस नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड
ट्रेड थ्योरी एंड ट्रेड प्रैक्टिकल। इसके बाद है ट्रेड अंडर CITS फॉर कॉमन सिलेबस ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन सिंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये है। और नेक्स्ट है सिलेबस। और इसके बाद है इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर स्कीम अंडर NCVT, ये चीज़ दिया हुआ है। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर 2014 लिखा हुआ है, तो 2014 अगस्त लिखने से मतलब है कि जो CITR सिलेबस रिवाइज किया गया था ना, वो 2014 में नया सिलेबस आया था, उसके बाद सिलेबस चेंज नहीं किया गया है, तो यही सिलेबस अभी भी चल जा रहा है। तो चलिए मैं एक जो इंजीनियरिंग ट्रेड है ना, उसका सिलेबस को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, CITS सिलेबस इंजीनियरिंग ट्रेड का। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, और इसमें देखिए जितने भी CITS के ट्रेड है, सारे ट्रेड का यहाँ से नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला है आर्किटेक्चरल, दूसरा है कारपेंटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सब यहाँ देखिए PDF दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF है ना, आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ये सब CITS का जो सिलेबस है उसका दिया हुआ है। इधर देखिए एजुकेशन में लिखा है, एंट्री क्वालिफिकेशन है, नेम ऑफ द सेक्टर है, मतलब यहाँ सीरियल नंबर, इसका नेम ऑफ ट्रेड है, ड्यूरेशन है, एंट्री क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ सेक्टर, रिवाइज ड्यूरिंग द ईयर 2014 में रिवाइज किया गया है। चलिए एक फेमस ट्रेड लेते हैं, जैसे कंप्यूटर कोपा का है, ड्रेस मेकिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इलेक्ट्रीशियन वायर है, फीटर ट्रेड का सिलेबस, और इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं, जिससे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि सिलेबस उसमें आपको दिखेगा कि सिलेबस में है क्या एक्चुअली। उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, और देखिए यहाँ से डाउनलोड हो रहा है और ये ओपन हो गया आपके सामने। इसके बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी 1 एंड ट्रेड प्रैक्टिकल 1, ये इसका सिलेबस हो गया। अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS, कुछ लोगों को CTI बोलते हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर CITS लिखा हुआ है, CITS ही होता है। इसके बाद ट्रेड का नाम फिटर है, लिखा है रीडिजाइन इन 2014, तो 2014 में इसको बनाया, रीडिजाइन किया गया था यहाँ पे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ये चीज़ आपको दिख रहा है। यहाँ कंटेंट है, कंटेंट में आपको दिख रहा होगा जनरल इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर 1 पेज नंबर 4 में है, आप इसको देख लेंगे, और आपके अनुसार जो टॉपिक आपको देखना है इस यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। टोटल पेज की बात करें तो इसमें 29 पेज है, और इसमें सारा चीज़ दिया हुआ, लिस्ट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा टूल रहेगा, जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर सेमेस्टर 2, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टाइम एंड मार्क्स सेमेस्टर 2, डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर सेमेस्टर 2, लिस्ट ऑफ टूल इक्विपमेंट सेमेस्टर 2, ये सब चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप अच्छे से इसको अध्ययन कीजिए। और मैं इसमें जो मेन मेन पॉइंट है ना, उसके बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पाएंगे तो लिखा है जनरल इन्फॉर्मेशन, और जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है वो चीज़ों को समझिए आप। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ द कोर्स, इस कोर्स का नाम क्या है, तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द कोर्स के सामने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग क्या है, तो एक साल का कोर्स है जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ पे होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कवर इन सेमेस्टर, सब्जेक्ट जो एक सेमेस्टर में कितना कवर करना है वो डिटेल्स मिलेगा आपको किसमें, सेक्शन सी में। और नेम ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या है, क्या नेम है सब्जेक्ट का, ट्रेड थ्योरी 1 एंड ट्रेड प्रैक्टिकल 1। अप्लीकेबिलिटी क्या है इसके लिए, फिटर ट्रेड है। और एग्जामिनेशन क्या है, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के एंड पे एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, और इसके बाद ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे। स्पेस नॉर्म्स क्या है, तो उसके लिए स्पेस नॉर्म की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 1 क्लासरूम ऑफ मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर एरिया, क्लासरूम के लिए 30 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। और लेंथ की बात करें, विड्थ होगा 5 मीटर का और लेंथ होगा 6000 मीटर का। वर्कशॉप की बात करें तो 120 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप होना चाहिए और विड्थ इसकी 8 मीटर होगी और लेंथ 3000 मीटर होगा। ये क्या है, क्लासरूम और वर्कशॉप का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से होना चाहिए। और इसमें लिखा है कि द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ क्लासरूम शुड कन्फर्म टू मिनिमम 3-स्टार बिल्डिंग,
एनर्जी रेटिंग कह रहा है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है BEE, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है होना चाहिए 3 स्टार बिल्डिंग में। और पावर नॉर्म्स की बात करें तो क्लासरूम के लिए 1 किलोवाट पावर सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्टर, लैपटॉप, पंखा, कूलर ये सब चीज़ें लगी होती हैं, तो उसके लिए आपको 1 किलोवाट की बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। और वर्कशॉप के लिए लिखा है 10 किलोवाट, मतलब वर्कशॉप में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे लेथ, ड्रिल, ग्रिंडर, बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं जहाँ पे ये पावर सप्लाई करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे 10 किलोवाट का पावर सप्लाई होना चाहिए। जो बैच बनेगा वो बैच होगा, एक बैच में 20 लड़के होंगे जिसमें गर्ल्स और बॉय दोनों होंगे, लेकिन कहीं कहीं 20 से ज़्यादा संख्या में बैच बना दिए जाते हैं, 30 के आसपास भी बैच बनते हैं, तो मिनिमम 20 का बैच होना चाहिए। और जो आपके ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे ना, सॉरी, ये इंट्री क्वालिफिकेशन है, इसमें CITS में करने के लिए या इसमें एंट्री के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है 3 तरह का होना चाहिए। पहला, या तो आप डिप्लोमा हो नहीं तो डिग्री हो, किसमें, फिटर के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन में जो कि AICT से अप्रूव्ड हो, या आपका स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड में होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड में होना चाहिए, जिससे आप इसमें आप CTI करने के योग्य हो जाएंगे। जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे ना, जो ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे वहाँ CITS कोर्स के लिए, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में दिया हुआ है। उनके पास 2 तरह का क्वालिफिकेशन होगा, या तो डिप्लोमा होंगे नहीं तो बीटेक मैकेनिकल बीटेक होंगे। तो डिप्लोमा होंगे तो उनके उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा उनके पास, और बीटेक होंगे तो उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सपीरियंस कंपनी या टीचिंग दोनों का हो सकता है। और उनके पास एक CITS कोर्स का डिग्री भी होगा, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का भी डिग्री होगा फिटर ट्रेड में। और इसमें आपको भी अगर वहाँ का ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है तो आपके पास भी ये डिग्री होगा, तभी आप वहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ 2 यूनिट्स और 2 यूनिट है वहाँ पर, तो एक ट्रेनर जो होना चाहिए वो बीटेक वाला जरूर होना चाहिए। और देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था जो बीटेक डिप्लोमा वाले हैं वो, कि क्या इनके लिए सेमेस्टर 1 में क्लास करना अनिवार्य है या नहीं है। देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ कि डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट में डायरेक्टली अपेयर फॉर सेमेस्टर 1 एग्जाम विदाउट अटेंडिंग क्लासेस फॉर लेटर एंट्री इन सेमेस्टर 2।